हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय स्पॉटी ब्लॉग्स। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1.5 से 2 महीना अप्रॉक्स, क्योंकि घर पे कुछ फंक्शन था इसी वजह से। और अभी शाम के बज रहे हैं करीब 7:15, लेट ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे दोस्त जो है AR साहब, उनके तरफ से अपने ऑफिस में लिट्टी चिकन का पार्टी चल रहा है, तो उनके ऑफिस में मैं बैठा हूँ। और इसमें जो अपने सारे सीनियर ग्रुप हैं, जूनियर ग्रुप हैं, जो जितना सारे वो काम करेंगे, आटा गूंदेंगे, प्याज छीलेंगे, वो आप इस ब्लॉग में सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और आप लोग इस ब्लॉग का पूरा एंजॉय उठाइए, आप लोगों को मैं सब दिखाता हूँ। ब्लॉग में कंटिन्यू रहें, ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले अपने AR साहब का मैं ऑफिस आप लोगों को दिखाता हूँ। ये अपना धनबाद का ऑफिस है और ये हमारे सीनियर ग्रुप का नाम है PIM, और इसको उनके कैप्टन है गुलाम अनवर साहब, जो अभी प्याज छील रहे हैं पूरे। कुछ बोलना चाहते हैं गुड्डू भैया आप? तो आज पार्टी किसके तरफ से ही है? अच्छा, तो ये प्याज का जिम्मेदारी सिर्फ आपको ही मिला है क्या? ये प्याज और ये सब्जी साथ में जिम्मेदारी है। हां, मैं हमारे पार्टिसिपेट में कस्टमर रहता हूं, तो मैं सामान लाने गया हूं, लेके आ जाते हैं, तो मिल करके प्रोसेस आगे बढ़ गई। तो और सब आपके ग्रुप के कहां गए मेंबर? तो कुछ लोग कोठा लाने जा रहे हैं, कुछ लोग सब्जी लाने जा रहे हैं, जैसे बैंगन, टमाटर वगैरह जो भी बनेगा भरता सलाद में, हां वो सब लाने गए हैं। कितना के जी आटा है ये? 8 किलो। कितना आदमी खाएगा इसमें? 25 आदमी खा लेगा लिट्टी। अच्छा, लिट्टी और चिकन का है ना? चोखा और चिकन, 4 किलो चिकन है, 6 किलो का तो ये सब इतना चिकन कहाँ बन रहा है? बन रहा है वो तो प्याज का कर सकता। अच्छा, घर पे किसी पे बन रहा है? मैं बना रहा हूँ लड़के लोग। अच्छा, किसी के घर में बन रहा है। अभी सीनियर ग्रुप के कुछ मेंबर कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखाता हूँ, हाथ में क्या क्या सामान लेकर के आ रहे हैं, बैक कमरे करके मैं दिखाता हूँ। साथ में साहिर है और अल्ताफ भैया है, वो दोनों देखिए आप लोग क्या क्या लेकर। साहिर क्या लाया भाई? इसमें सब्जी है और टमाटर है, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, धनिया पत्ता और नींबू। और कौन है साथ में? अल्ताफ भैया देखिए बर्तन लेकर के, और चाकू है, प्याज काटूंगा, आलू काटूंगा, क्या क्या कीजिएगा? गमला में मैं सबको मिलाऊंगा। और लिट्टी के लिए ये इक्विपमेंट्स है, कटिंग इक्विपमेंट्स। अब सीनियर ग्रुप है, जो सीनियर ग्रुप के 3 मेंबर PIM क्लब के, अल्ताफ, गुलाम अनवर और शाहिर आ चुके हैं, तीनों अपने काम पर लगेंगे अभी। ये क्या डाला अभी आपने गुड्डू भैया? ये सत्तू है, ये सत्तू अभी हम डाल देंगे, मिक्स करेंगे डालने के लिए, उसके बाद। ये अल्ताफ भैया आप क्या कर रहे हैं? ये धार बना रहे चाकू, धार बना के प्याज कटिंग करने में आसानी होगी मुझे। ठीक है, आप प्याज काटिए, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्या डालें गुड्डू भैया? अभी सत्तू में अजवाइन डालें? पहले इसमें अजवाइन डालें। ठीक है, अच्छा अच्छा, मंगरेला 50 रुपया का डालें, और क्या ये अजवाइन डाले थे? अच्छा सॉरी, पहले अजवाइन डाला गया था और अभी मंगरेला डाला गया, 30 रुपये का मंगरेला डाला गया है। मंगरेला और अजवाइन जो है सत्तू में मिक्स कर दूंगा।
इकबाल भैया आप क्या लेकर आ रहे हैं? 220 गोईटा। अच्छा, गोईटा लेकर के आ रहे हैं लिट्टी सेक के लिए। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? कहाँ से? रागाटार से लेकर के आ रहे हैं। ओ, बहुत मेहनत कर रहे हैं लिट्टी के लिए आप। खाना जो है। अच्छा ठीक है, ओके। लिट्टी का साइज दिखाइए तो, जो लड्डू भी आप बनाए हैं। लड्डू बनाई सर? नहीं नहीं, ये कौन बनाया? लड्डू बनाए। लड्डू भी इतना बड़ा, 250 का एक लिट्टी। बस देखिए, यही वो इंसान है जो 2019 में लूडो में 50 रुपए आ रहे थे और आज तक पैसा नहीं दिए। लड्डू भैया इधर कुछ बोलिए। स्पॉटी ब्लॉग, स्पॉटी ब्लॉग बोलिए, मिल जाएगा। लड्डू भैया प्लीज आज हाँ नहीं बता भाई। इतना बड़ा लिट्टी है, किसी को फेंक के मारिएगा तो बेहोश हो जाएगा। बेहोश हो जाएगा। क्या बोलते थे? बिस्किट और अंडा के लिए बोलती थी, अगर एक दिन में बिस्किट कोई खा लिया तो लड्डू भैया का खाए। कितना घी आएगा? एक आधा किलो घी आएगा। हल्दी पोछा उधर देखिए, येलो टी शर्ट में माली है। हमारे ग्रुप के सबसे एक्टिव मेंबर मास्टर साहब उर्फ जकी अहमद उर्फ कंगारू के कैप्टन। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं लिट्टी चोखा पार्टी बारे में बोलिए ना। समर्थन है, कितना पीस खाइएगा? लिट्टी ऐसा बन रहा है कि अगर सर में मार लिया जाए तो बेहोश हो जाएगा। हम लोग निस्वार्थ भावना से इस क्लब में आते हैं। लिट्टी बनेगा तो भी खाएंगे, मुर्गा बनेगा तो भी खाएंगे, नहीं बनेगा तो कुछ नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत। एकदम सही आटा मिल रहा है। हमको लग रहा सुबह ही भूख में चढ़ दिया था ना। सुबह नहीं, रात को तो 6 बजे तो आटे लाई थी। सुबह रात बोला 4 बजे बोलेंगे, 6 बजे आटा है। देखिए शहबाज गोटा में आग लगा रहा है और इसी गोटा में लिट्टी हम लोग सकाएगा। गोटा पापड़ की तरह कोई काम नहीं आएगा। आज हम लोग लिट्टी पार्टी में शमशेर भैया भी शामिल हुए हैं और शमशेर भैया के साथ, और ये हैं शमशेर भैया हमारे बड़े भाई साहब। हाँ, एकदम खास्ता की तरह हम लिट्टी बना रहे हैं। क्या बोले लड्डू भैया?
में जा सकता था, भूलने का तरह भूलेगा आपको तो लग रहा है लिट्टी आप इतना बड़ा माने बनाया है कि मारने से आदमी बेहोश हो जाएगा। घी होना चाहिए अच्छा गुड्डू भैया अगर लिट्टी में घी हुआ तो कितना पीस खाइएगा? 15 पीस। अगर नहीं खाए तो शूटिंग करके कहाँ ले रहा है? यूट्यूब पे जा रहा है, यूट्यूब पे जा रहा है। लिट्टी खाने के लिए तैयार हूँ, अगर कोई सर 500 का लगाएगा तो मैं 15 पीस लिट्टी खाने के लिए तैयार। 1000 का सर 20 पीस। अगर नहीं खाऊंगा मैं रिटर्न बैग 500 रुपया अगला को दूंगा। चलिए वीडियो हो चुका है प्रूफ के तौर पे, अगर नहीं खाए तो 500 रुपया तो दूंगा। ठीक पहले बता दे रहे क्या उलट जाएगा किलो का है ये ना तो। हेलो देखिए बड़ा सा पहले निकाले पलटी चल रहा है ना देख भाई चलना नहीं चाहिए देखो थोड़ा चल जा रहा है। अल्ताफ भैया बोलिए ये देख रहे हैं ये लिट्टी सिखा रहा है ना। हाँ ये वाला लिट्टी हाँ आप खाइएगा ना सिखा रहे ना ठीक कम से कम 10 पीस चिकन का जरूरत पड़ेगा। कौन वाला लिट्टी कौन वाला पीस? ये वाला देखिए जला रहा उधर गुड्डू भैया चल रहा है पकड़ खाली घुमाते रहो सबको घुमाते रहो जहाँ तहाँ है सबको घुमाते रहो अपने आप हो जाएगा सबको घुमाते रहो दादा आप क्या कर रहे हैं तुम सलाद बनाने बाबू इसको तो आप जानते होंगे इंस्टाग्राम हीरो है और यूट्यूब पे भी इसका चैनल है बैड बॉयज के नाम से हम लोग का चिकन आ गया और चिकन बाबू अपने घर में बनाया था। क्या लाया बाबू? लिट्टी तो है जी है ना बहुत ग्रेवी है कम हो ज्यादा हो गया और हम लोगों का लिट्टी हो गया फाइनल। सुनिए ना लोग खा के जा रहे हैं हाँ हम लोग खिला सब एक साथ बैठे वीडियो टेंशन नहीं सब बन गए। अरे जो हुआ है पदवी
मेहनत लगा, देखो पसीना पसीना बहुत ज्यादा मेहनत लगा, देखते हैं देखने से क्या लग रहा है। ओवरऑल तो लग रहा है कि थोड़ा सा टेस्ट बढ़िया ही होगा, कोयला का जो चारकोल का जो घाम आया होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, देखते हैं आने के बाद। आइए विनय जी,